हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन या मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन दोनों ही एक ही चीज है इन केस ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। तो हम आज जो हम स्टार्ट करेंगे, वो होगा बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन और मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन, जिसमें पहले जो कुछ स्लाइड्स होंगे वो आपका दोबारा से, जो आपका जो पहला जो लेक्चर था उसमें रिकॉल करने के लिए कि डिपार्टमेंटेशन क्या है उसके बारे में दिया गया है, जो मैं उतना ज्यादा क्या बोले डिटेल में मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिपार्टमेंटेशन क्या होता है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। फाइन, तो थोड़ा सा बस रिकॉल कर देते हैं, जिसमें मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटेशन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन यही किया था कि आप एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या करते हैं, अलग अलग यूनिट्स में आप डिवाइड कर देते हैं, और हर एक यूनिट के लिए आप क्या करते हैं, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है या जिसको आप एक हेड होता है वो आप अपॉइंट करते हैं, ठीक है। यानी कि पूरे ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को आप एक यूनिट बना देते हैं और उस ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए आप एक हेड असाइन करते हैं, क्लियर। हमने लास्ट लेक्चर में डिपार्टमेंटेशन के फीचर्स पढ़े थे और उसके प्रोसेस भी पढ़े थे और इम्पोर्टेंस भी पढ़े थे, और इस वाले लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं डिपार्टमेंटेशन के, वो हम कवर, यानी कौन से बेसिस से हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। ये हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ये लेक्चर काफी छोटा होगा क्योंकि सिर्फ 5-6 डिपार्टमेंटेशन मैंने कवर अप किया है, ओके। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, जिसमें पहला जो बेसिस है, यानी कौन से बेसिस में डिपार्टमेंटेशन हम डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला जो बेसिस है वो है क्या आपका, अच्छा सबसे पहला चीज की डिपार्टमेंटेशन जो है वो जो किया जाता है इसमें क्या आपका, हम एक तरह से ग्रुप बनाते हैं, सिमिलर एक्टिविटीज का ग्रुप बनाते हैं, फाइन। और ये जो डिपार्टमेंटेशन किया जाता है वो फंक्शन वाइज हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज हो सकता है, टेरिटरी वाइज हो सकता है, ठीक है, प्रोसेस वाइज हो सकता है और कस्टमर वाइज भी हो सकता है। मैं इसके एग्जांपल भी दूंगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं इसके प्रॉपर एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे आपका डिवाइड किया जा सकता है, ओके। मैं जो डिपार्टमेंटेशन कवर कर रहा हूँ, सिर्फ जो काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन कवर कर रहा हूँ, मैं 5 डिपार्टमेंटेशन में कवर कर रहा हूँ। हो सकता है अलग अलग बुक में क्या बोलते हैं कि इससे ज्यादा हो या उससे कम भी हो सकते हैं, फाइन। तो सबसे पहला जो है वो है कि आपका फंक्शन वाइज डिपार्टमेंटेशन। अब ये फंक्शन वाइज डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बेसिक फंक्शन, ठीक है, और एक सेकेंडरी फंक्शन में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बेसिक फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब मैं छोटा छोटा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ये बेसिक फंक्शन क्या है और सेकेंडरी फंक्शंस में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है सिर्फ क्या बोलते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग करता है, या सिर्फ मान लो वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो प्रोडक्शन है इसको जब हम क्या बोलते हैं कि आपका डिवाइड करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 डिपार्टमेंट हम बना सकते हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट का काम सिर्फ क्या बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का होगा और एक डिपार्टमेंट का काम हो सकता है सेलिंग का या मार्केटिंग का हो सकता है, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है और एक आपका मार्केटिंग का हो सकता है। तो यहां पे सिर्फ बेसिक फंक्शन ही हम क्या बोलते हैं परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, एक डिपार्टमेंट होगा वो सामान को बनाएगा और दूसरा डिपार्टमेंट का काम होगा कि उसी सामान को वो क्या करेगा, उसके जो कस्टमर्स होंगे उसको वो बेचेगा, ठीक है।
तो ये जो है ये एक बेसिक फंक्शन है सिर्फ, ये सिर्फ क्या है, बेसिक फंक्शंस है, ठीक है। अब हम चाहें तो हम इसको सेकेंडरी फंक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, अच्छा अब सेकेंडरी फंक्शन कैसे हो सकता है, अब मान लो बेसिक फंक्शन में डिवाइड करने के बाद अब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हर एक बेसिक फंक्शन को और फर्दर डिवीजन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि जो मार्केटिंग जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाएगा जिसका काम एडवर्टाइजमेंट होगा, ठीक है। एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाएगा जिसका काम जो है घर घर जाके आपका सेल्स करना होगा। एक और डिपार्टमेंट वो क्या बोलते हैं कि आपका वो बना सकता है जो क्या बोलते हैं कि प्लान करेगा कि मैं कौन कौन से क्या बोलते हैं कि कस्टमर्स को मैं टारगेट करूं, ठीक है। तो अब ये जो है ये क्या है आपका सेकेंडरी फंक्शंस में आपका जाता है, यानी कि हम फर्दर और ज्यादा फंक्शंस में हम क्या कर सकते हैं, हम डिपार्टमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं या हम ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसी को बोला जाता है फंक्शन वाइज या फंक्शन के बेस पे डिपार्टमेंटेशन करना। इसका एग्जाम्पल भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, अगर किसी को स्नैपशॉट अगर लेना हो तो वो आराम से वो इसको ले सकते हैं। और इसमें मैंने डिटेल में बताया है बेसिक फंक्शंस के बारे में और सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में। क्लियर है, ठीक है। मैंने जो एग्जाम्पल भी जो दिया है ना वो भी मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेंशन किया है, तो आपको जो सही लगे, आपको अगर ये एग्जाम्पल अगर सही लगे तो ये भी आप एग्जाम में आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप कोई और एग्जाम्पल अपने से खुद से क्रिएट कर सकते हैं तो भी चलेगा। इसमें मैंने एक या दो तीन एग्जाम्पल मैंने यहां पे कंसिडर किया है, फाइन। अब फंक्शन वाइज क्या बोले, डिपार्टमेंटेशन होने के बाद अब जो नेक्स्ट, ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं कि आपका बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन है या मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन है वो है क्या, प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटेशन। ये बहुत ही इजी होता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके के क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स बनाता है। मान लीजिए वो एक प्रोडक्ट ए बनाया, वो प्रोडक्ट बी भी बनाता है, वो प्रोडक्ट सी भी बनाता है और वो प्रोडक्ट डी भी बनाता है, ठीक है। तो अब जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये चारों प्रोडक्ट बनाता है, तो अब जो मैनेजर है वो डिसाइड क्या, व्हाई नॉट टू डिवाइड द होल ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि वो एक डिपार्टमेंट बनाएगा जो डील करेगा या जो प्रोडक्शन करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए का, एक डिपार्टमेंट होगा जो आपका डील करेगा सिर्फ प्रोडक्ट बी का, एक डिपार्टमेंट होगा जो आपका डील करेगा प्रोडक्ट सी से, और एक डिपार्टमेंट होगा जो जो आपका रिलेट करेगा किससे, आपका प्रोडक्ट डी से। यानी कि यही एक डिपार्टमेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट संभालेगा, वो सब कुछ हो सकता है, वो प्रोडक्शंस भी कर सकता है, वो मार्केटिंग भी कर सकता है, उसको लगता है एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, वो सब कुछ क्या बोलते हैं वही एक क्या बोलते हैं कि आपका डिपार्टमेंट कर रहा है और वो भी एक प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटेशन। आपको अगर एग्जाम्पल लेना है तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कि आप टाटा का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अब टाटा का एग्जाम्पल वो क्या बोलते हैं, एक सेक्टर होता है जो आपका ऑटोमोबाइल में डील करता है, ठीक है। एक जो है वो क्या बोलते हैं कि आपको टी में डील करता है, आपने टाटा टी भी पिया होगा, फाइन। एक है जो आपका टाटा स्टील भी है, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उसने क्या किया है, उसने अलग अलग क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट बना दिया है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है क्या आपका, प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटेशन के बाद टेरिटोरी वाइज डिपार्टमेंटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन भी बोला जाता है। अच्छा, अब ये डिपार्टमेंटेशन पहले मैं बता दूं कि ये यूज कब होता है और ये कैसे आपका हो सकता है, मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब ज्योग्राफिकल वाइज डिपार्टमेंटेशन में
अब मान लीजिए आपके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत जगह जगह फैले हुए हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अगर एक जगह पर अगर अपना क्या बोलते हैं कि सारा काम करें, एक जगह से ही आप सिर्फ सर्विसेज अगर प्रोवाइड करें या प्रोडक्ट्स बनाएं, तो उस केस में क्या बोलते हैं कि आपका पूरे आप जो कस्टमर्स है उसको आप कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप क्या करें, आप अपना अलग अलग ब्रांचेस या अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है आप अलग अलग एरिया में क्या बोलते हैं कि आप ऑपरेट करें। ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं कि आप बैंकिंग का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बैंकिंग का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप अगर स्टेट बैंक को देखें या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देखें या फिर क्या बोलते हैं कि आपका जो कैनरा बैंक को देखें, तो उन लोग करते क्या है नॉर्मली, वो ये कोशिश करते हैं कि उनका एरिया वाइज वो अपना डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देते हैं एक तरह से, यानी कि एक हेड ऑफिस रहता है जो एक एरिया का जितने भी ब्रांचेस होते हैं, जितने भी बैंक के ब्रांचेस होते हैं उसी एक हेड ऑफिस के अंदर क्या बोलते हैं ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अलग जगह का फिर एक अलग हेड ऑफिस होगा और उसके अंडर फिर बहुत सारे क्या बोलते हैं कि आपके ब्रांचेस आते हैं जो उसी हेड ऑफिस से आपका क्या बोलता है का लिंक करता है और वही हेड ऑफिस उनको कंट्रोल करता है। क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल वाइज डिपार्टमेंटेशन, जिसको हम टेरिटोरी वाइज डिपार्टमेंटेशन भी बोला जाता है। और भी कुछ कुछ एग्जांपल आप क्या बोलते हैं आप ले सकते हैं, जैसे इंडियन रेलवे का, वो भी जब वो डील करता है तो वो जोन वाइज या डिविजन वाइज क्या बोलते हैं वो डील करता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि डिपार्टमेंटेशन जो है वो क्या बोलते हैं कि आपका ज्योग्राफिकल वाइज भी आपका डिपार्टमेंटेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब जिस तरह से ज्योग्राफिकल वाइज डिपार्टमेंटेशन होता है ठीक उसी तरह से प्रोसेस वाइज भी डिपार्टमेंटेशन हो सकता है। अच्छा, अब ये प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको फिर से मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और इसको मैं अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पे जो एग्जांपल दिया गया है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स का एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिसमें मैं आपका क्या बोलते हैं मैं एक शुगर कंपनी, चीनी जो बनाता है या शक्कर जो बनाता है जो कंपनी, उस कंपनी को मैं लिया हूं। ठीक है, तो शुगर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होते हुए रॉ मटेरियल को गुजरना पड़ता है, तब जाके क्या बोलते हैं कि आपका शुगर मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट जो होता है जो क्या करता है वो जूस बनाएगा, जूस बनाने के बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि एक डिपार्टमेंट होगा जो उसी जूस को वो क्या करेगा वो बॉयल करेगा, नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट जो होगा इसी बॉयल्ड जूस को वो क्या करेगा रिफाइन करेगा या फिल्टर करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं और एक डिपार्टमेंट होगा जो वो क्या करेगा इसी फिल्टर्ड जूस को वो क्या करेगा क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करेगा, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाएगा जो एक्चुअली में क्या बोलते हैं शुगर, जिससे आपका एक्चुअली में आपका प्रोडक्शन होता है एंड में। और ये जो आपका जो स्टार्टिंग है वो आपका होता है कहां से, शुगर केन से, शुगर केन से जूस बनाया एक डिपार्टमेंट, फिर एक डिपार्टमेंट उसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद क्या बोलते हैं कि उसको वो फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद क्या बोलते हैं कि आपका जो फाइनल जो आपका जो प्रोसेस है जिसमें वो क्या किया वो क्रिस्टल बनाया शुगर का। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो आपका प्रोसेस वाइज भी डिपार्टमेंटेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का किया जा सकता है। ठीक उसी तरह यहां पे भी एक एग्जांपल दिया गया मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल का, जिसमें एक डिपार्टमेंट स्पिनिंग के लिए हो सकता है, एक डिपार्टमेंट डाइंग के लिए हो सकता है, एक डिपार्टमेंट वीविंग का हो सकता है, एक डिपार्टमेंट फिनिशिंग का हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं जो आपको एग्जांपल मेंशन किया अगर आपको वो पसंद है तो एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, या फिर अगर आप क्या बोलते हैं खुद अपने से अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हो तो भी क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है या नेक्स्ट जो बेसिस है डिपार्टमेंटेशन का वो है आपका क्या कस्टमर वाइज डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है,
अब ये कैसे हो सकता है? इसमें मैं दो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, ठीक है। इसमें मैं दो एग्जाम्पल मैं क्या बोलता है कि मैं आपका दे सकता हूं, जिसमें एक एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी मैं यहां पे मेंशन किया हूं, जिसमें एक है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी कि एक ऐसा कंपनी जो दवाई बनाता है, जो मेडिसिन क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन करता है, तो उसके जो कस्टमर्स हैं अलग अलग कस्टमर्स हो सकते हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो वो दवाई बनाया उसको डायरेक्टली हो सकता है किसको वो बेचे, हॉस्पिटल को बेचे, ठीक है। वही फार्मास्यूटिकल कंपनी वो क्या करता है, वो आपका गवर्नमेंट को भी सप्लाई करता है। वही फार्मास्यूटिकल कंपनी वो रिटेल स्टोर्स को भी क्या बोलते हैं कि आपका सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसके कस्टमर्स अलग अलग तरीके के कस्टमर्स हैं, और हो सकता है इनके जो नीड्स होंगे वो भी अलग अलग होगा। तो इसीलिए जो मैनेजर होता है या जो मैनेजमेंट होता है वो ये डिसाइड करता है, व्हाई नॉट टू डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर वाइज, यानी कि जिस तरह के कस्टमर होंगे उसी तरह के हम डिपार्टमेंट बनाएंगे, और वो डिपार्टमेंट उसके कस्टमर के नीड्स के हिसाब से, उनका जो नीड्स होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। जैसे आपको भी ये अच्छे से पता है कि अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर हॉस्पिटल के लिए अगर दवाई बनाएगा तो वो अलग उनके नीड के हिसाब से बनाएगा, गवर्नमेंट के लिए जब वो दवाई बनाएगा तो उनके नीड के लिए अलग बनाएगा, रिटेल स्टोर्स के लिए बनाएगा तो अलग बनाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं, मैं किसका, मैं बैंकिंग का भी मैं दे सकता हूं। बैंक में भी क्या होता है, जनरली आजकल जो बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि वो कस्टमर वाइज क्या बोलते सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनका काम बेसिकली क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर से होता है, तो वो कोशिश यही करते हैं कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको क्या बोलते हैं कि अलग सा उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाए जो क्या बोलते हैं ये फार्मिंग या एग्रीकल्चर से डील करें। ऐसे कस्टमर्स होंगे जो क्या बोलते हैं कि जिनका काम क्या होगा आपका, बेसिकली मान लीजिए उनको हाउस के लिए क्या बोलते हैं लोन का जरूरत होगा, तो अब हाउस लोन उनको लेना होगा तो उन जैसे कस्टमर्स के लिए अलग सा डिपार्टमेंट होगा जो उसके उस हाउस लोन से क्या बोलते हैं डील करेंगे। एक अलग सा डिपार्टमेंट होगा जो क्या बोलते हैं कि आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनको लोन का जरूरत होगा उनसे वो क्या बोलते हैं डील करेगा, ठीक है। तो कस्टमर वाइज भी हम क्या करते हैं, हम डिपार्टमेंट्स हम बनाते हैं, फाइन, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मैंने जितना भी मैंने एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ये सारे एग्जाम्पल आपको इजिली अंडरस्टैंडेबल है, और अगर आपको कहीं पे भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दें, या फिर अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स का भी जरूरत अगर रहेगा तो काइंडली आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपके जो है ये आपके बेसिस, ये आपके पांच बेसिस होते हैं किसके, आपके डिपार्टमेंटेशन के, क्लियर। तो अब हम मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, जिसमें क्या बोलते हैं मैंने डिपार्टमेंटेशन के जो दो लेक्चर थे मैंने उसको कंप्लीट कर दिए, ठीक है, दोनों लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट जो होगा, जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो आपका होगा किसके ऊपर, आपका एमबीओ के ऊपर, ठीक है, एमबीओ से रिलेटेड क्या बोलता है कि अब आपका नेक्स्ट लेक्चर्स होगा। अच्छा, एमबीओ में कुछ स्टूडेंट्स लोगों को डाउट्स भी था, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स होंगे वो भी मैं आपको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि मेरे डिपार्टमेंटेशन जो है वो मेरा पूरा कवर हो गया। अगर आपको फिर भी कहीं पे अगर डाउट अगर रहेगा वो डिपार्टमेंटेशन का, या फिर और कोई एग्जाम्पल्स का अगर आपको जरूरत अगर रहेगा तो काइंडली आपके मतलब कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, इफ पॉसिबल अगर होगा, अगर आपको रिटर्न में अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए तो फाइन, अदरवाइज क्या बोलते हैं मैं कोई लाइव क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, टिल देन Stay home, stay safe, have a good bye.